जिस तरह भोजपुरी के सुपरस्टार सोना पहनने में पीछे नहीं रहते, ठीक उसी तरह भोजपुरी के सुपरस्टारों की पत्नियां भी अपने पति से कम नहीं है सोना पहनने में। भले वो चाहे पवन की पत्नी हो या खेसारी की या फिर निरहुआ की, अपने पति की ही तरह ये भी खूब सोना पहनती हैं और अपने पति की बराबरी करती हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टारों की पत्नियां कितने रुपए का सोना पहनती हैं, उनका सोना कितने लाख का होता है, कितने करोड़ का होता है या फिर कितने हजार का होता है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन तीनों सुपरस्टारों के पास करोड़ों के गहने हैं, लेकिन गहने पहनने के सबसे शौकीन खेसारी लाल यादव हैं। बाकी निरहुआ और पवन सिंह बहुत कम गहने पहनते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निरहुआ की पत्नी की। निरहुआ की पत्नी मीडिया के सामने नहीं आती, इसलिए इनको बहुत कम लोगों ने ही देखा है। लेकिन सुनने में आता है कि जब भी पार्टी या कोई त्योहार होता है तो निरहुआ की पत्नी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है और गहने तो खूब पहनती हैं। बताया जाता है कि निरहुआ की पत्नी 30 से 40 लाख के गहने पहनती हैं और इनको गहनों का बहुत शौक है। अब बात कर लेते हैं पवन की पत्नी ज्योति सिंह की। ज्योति तो वैसे बहुत सिंपल हैं, आए दिन इनके सोशल मीडिया पर इनकी नई नई तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन ज्योति सभी तस्वीरों में बहुत सिंपल होती है। ज्योति बहुत खूबसूरत है, इनके खूबसूरती में चार चांद लगाता है इनकी सादगी। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योति को गहने पहनने का शौक नहीं है, भाई ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसको गहने पहनने का शौक नहीं होगा। किसी भी पार्टी या त्योहार में जब ज्योति तैयार होती है तो पूरे गहनों के साथ तैयार होती है। त्योहारों में ज्योति को अक्सर गहनों से सजा धजा देखा जाता है और ज्योति सिंह के गहनों की कीमत लगभग 40 से 50 लाख की होती है। अब बात कर लेते हैं चंदा देवी की। हम आपको बता दें कि चंदा देवी गहनों की बहुत शौकीन है और भाई होंगे भी क्यों ना, क्योंकि जिसके पति गहनों के इतने शौकीन है तो उसकी पत्नी का होना तो लाजमी है। खेसारी को सोने से कितना प्रेम है ये तो किसी से छुपा नहीं है। खेसारी को हमेशा सोने से लदा हुआ देखा जाता है, तो वहीं खेसारी की पत्नी भी किसी से कम नहीं है। खेसारी की पत्नी चंदा गहने पहनने में निरहुआ की पत्नी और ज्योति सिंह को भी पीछे छोड़ देती है। चंदा देवी मीडिया के सामने अक्सर आती है और वो भी सोने से लदी हुई होती है। अपने पति की तरह चंदा को भी सोना पहनना बहुत पसंद है। बात कर ले चंदा देवी के गहनों की कीमत की तो चंदा देवी 50 से 60 लाख के गहने पहनती हैं और अपने पति की ही तरह चंदा देवी भी गहने पहनने में किसी से पीछे नहीं है। वेल, तो हमने आपको बताया कि किसकी पत्नी सबसे ज्यादा सोना पहनती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और किसकी पत्नी सबसे ज्यादा सोना पहनती है ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।